दोस्तों सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा। और ये नीमच मंडी की लहसुन की आवक देख सकते हैं आप, और वाहन चारों तरफ अस्त व्यस्त पड़े हैं, आव के बिल्कुल उठपटांग है, न समझ आ रहा कितने वाहन हैं क्या है। और ये आवक की स्थिति देख सकते हैं आप, हमारा फोटो लीजिए। और प्याज के आव के तो बम्पर है, और ये पूरे वाहन की स्थिति आप देख सकते हैं। ये किसान भाई है, कहाँ से हो दादा? भाटखेड़ा से है, राजगढ़ जावरा वाले भाटखेड़ा से हैं दोस्तों। और ये लहसुन लेकर आए तो गेट के बाहर वही वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, और ये प्रांगण के अंतर्गत भी आवके फुल है, और सब उठपटांग आवक है, कोई लाइन नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था बेकार है। यह देख सकते हैं पूरी स्थिति आप मंडी की। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का आवक का अपडेट देख लेते हैं, लहसुन प्याज अन्य सभी जिनसों का कैसा अपडेट रहा है। दोस्तों बात करें प्याज कांदे की, तो आवके फूल है, प्रांगण पूरा भरा हुआ है, लगभग 12-13 हज़ार बोरी के आसपास प्रांगण के अंदर आवक है। वो प्रांगण के बाहर वाहनों की लंबी कतार है, किसमें कितना लहसुन है, किसमें कितना प्याज है, ये मैंने नहीं देखा है, बस वाहन लंबे लग रहे हैं क्योंकि जाम की स्थिति है, और जाना भी मुश्किल है, देखना भी मुश्किल है। बात करें लहसुन की कैसी आवक है, लगभग वही 350-350 वाहन के आसपास में ये देख सकते हैं वाहन पीछे खड़े, वाहन उठपटांग है, गिनती नहीं हो पा रही है, आप मान के चलिए 350 के आसपास में। 20 बोरी का एक वाहन तो 7,000, और 1,000 बोरी छपरे में 8,000, कुछ वाहनों में आवक ज़्यादा है, 20 से भी ज़्यादा दिख रही है, तो मान के चलिए 9,000 बोरी के आसपास प्रांगण के अंदर आवक है। वो प्रांगण के बाहर वाहनों की कतारें हैं, जिसको अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने वाहन प्याज के हैं, कितने कांदे, कितने लहसुन के हैं। तो कुल मिला के आवक वही 12-13 हज़ार बोरी तो पक्की मान के चलिए आप, 12-13 हज़ार बोरी के आसपास तो माल आराम से है और बिक जाएगा। इसके अलावा और दिन में आवक आती रहती है, तो वाहनों की लाइन लगती रहती है, तो 15,000 से ऊपर भी पहुँच जाएगी, तो कुछ कह नहीं सकते, या 18 भी पहुंच जाए कुछ नहीं कह सकते। आप मान के चलिए आज की आवक 12-13 हज़ार बोरी बिक जाएगा, इतना माल तो नीमच मंडी में है, और कल के लिए भी कुछ माल पड़ा हुआ है पेंडिंग। बात किया जाए गेहूं का आवक का, गेहूं की आवक लगभग 6,000 बोरी के आसपास में है, मूंगफली की आवक 2,000-2,500 कट्टों के आसपास, चिरायते में भी कुछ वाहन है, 10 से 15 वाहन के आसपास में। और इसके अलावा बात किया जाए सोयाबीन की, लगभग 4-4.5 हज़ार बोरी की आवक है, आवकियाँ सीमित है अन्य मंडी में लहसुन प्याज को छोड़ के। मेथी 1,000 बोरी के आसपास में है कल, और रायरा 200-300 बोरी है, अलसी 101 बोरी हाल फिलहाल है, मान के चलिए ये 500 बोरी तक रायरा हो जाएगा, 300 बोरी तक अलसी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 8 भी नहीं बचा है। धनिया 1,000 बोरी के आसपास में है, इसबगोल 300 बोरी के आसपास में, तो आज आवके सीमित देखने को मिल रही है। किराना मंडी में अजवाइन 100-150 बोरी, पोस्ता 101 बोरी, और आवक एक तरह से कम ही है आज अन्य मंडी में लहसुन प्याज को छोड़कर। और लगातार अवकाश भी आ रहा है, उसकी एक सूचना भी आपको अलग से दे दी जाएगी।